हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शोभराज, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। पॉइंटर्स सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। समझ में आता है तो भी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंटर्स आर वन ऑफ द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये बहुत ही कोर कंपोनेंट माने जाते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। इट कैन बी यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस। ध्यान रखिएगा, स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनका मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है ये, या फिर फंक्शंस का मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा, या फिर ये पॉइंटर्स के भी एड्रेस को स्टोर करके रखता है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट करता है एड्रेस की तरफ। राइट, द यूज़ ऑफ पॉइंटर्स अलाउज लो लेवल मेमोरी एक्सेस। ये जो पॉइंटर्स होते हैं लो लेवल मेमोरी एक्सेस अलाउ करते हैं, या फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलाउ करते हैं, या फिर अदर फंक्शनैलिटी भी अलाउ करते हैं। पॉइंटर इज डिफाइंड एज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। इसको हम डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहते हैं। ये डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। एंड दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर सी वेरिएबल्स। ठीक है, ये ऐसे डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं जो अदर सी वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करते हैं, या फिर मेमोरी लोकेशन को स्टोर करके रखते हैं। राइट, वी कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन यूजिंग पॉइंटर्स। मतलब इस पॉइंटर्स को यूज़ करके हम इन मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करके इन जो डेटा होता है उसको हम मैनिपुलेट या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे उसके बारे में जान लेते हैं। डेटा टाइप्स क्या होता है? ईच वेरिएबल इन सी हैज़ एन एसोसिएटेड डेटा टाइप। हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा। ये बताता है कि डेटा किस टाइप का है, क्या वो इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, फ्लोटिंग है, डबल एक्सेट्रा। ये बताता है कि डेटा हमारा किस टाइप का है। ठीक है, ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मेमोरी एंड हैज़ सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड ओवर इट। मतलब कि जो जो भी डेटा टाइप्स हैं उसके वो उनके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए होते हैं। ठीक है, द डेटा टाइप इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, एक डिफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं, डेटा टाइप क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा विद वैल्यूज हैविंग फिक्स्ड वैल्यू मीनिंग एज वेल एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको हम प्राइमरी डेटा टाइप भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी डेटा टाइप्स आर द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स दैट आर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग सिंपल वैल्यूज सच एज इंटीजर्स, फ्लोट, कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं जो सिंपल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरा डेटा टाइप है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप आर डिफाइंड बाय यूज़र हिमसेल्फ, मतलब वो यूज़र खुद उसको बनाता है, जैसे क्लास हो गया, स्ट्रक्चर या यूनियन। ठीक है, ये सब हम आगे देखेंगे। तीसरा है डिराइव डेटा टाइप, जिसकी हम बात कर रहे थे। द डेटा टाइप दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप, और बिल्ट इन डेटा टाइप जो पहले से बने होते हैं उनको हम डिराइव डेटा टाइप कहते हैं। एग्जाम्पल, पॉइंटर्स, फंक्शंस, एरे। ठीक है, तो डिराइव डेटा टाइप्स हमारे पास है पॉइंटर्स, फंक्शन एंड एरे। अब सिंटेक्स कैसे होता है पॉइंटर्स का हम ये देखेंगे। द सिंटेक्स ऑफ पॉइंटर्स इज सिमिलर टू वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी। जैसे हम सी में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम पॉइंटर्स का भी डिक्लेयर करते हैं, बट हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं कि
इसको आप इनटू वाला सिंबल समझ सकते हैं, या इसको बोलते हैं डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर। ठीक है, जैसे इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, चाहे वो इंटीजर टाइप हो या कैरेक्टर टाइप हो, फिर हम ये डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर लगाएंगे और ये पॉइंटर वैल्यू को डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पीटीआर हमारा पॉइंटर है, डेटा टाइप जो भी हम यूज़ करेंगे चाहे वो इंटीजर हो कैरेक्टर हो। दी अबो सिंटेक्स इज़ यूज टू डिफाइन अ पॉइंटर टू अ वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल को पॉइंटर की तरफ, इट इज़ यूज टू डिफाइन अ पॉइंटर टू अ वेरिएबल, एक वेरिएबल को पॉइंटर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो डिफाइन पॉइंटर्स टू फंक्शंस, मतलब हम फंक्शंस को भी पॉइंटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को भी। ठीक है, नाउ अब हम पॉइंटर्स को कैसे यूज़ करें, हाउ टू यूज़ पॉइंटर्स। यहाँ पर तीन स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है पॉइंटर डिक्लेरेशन, दूसरा है पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, तीसरा है पॉइंटर डी रिफरेंसिंग। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज पॉइंटर डिक्लेरेशन। पॉइंटर डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं, हम वी ओनली डिक्लेयर द पॉइंटर बट डू नॉट इनिशियलाइज इट, केवल हम इसको डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर को। ठीक है, उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं। टू डिक्लेयर अ पॉइंटर हम यूज़ करेंगे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा इंट और ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर और पी टी आर, ये हमने इसको क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया कि पी टी आर इज़ अ पॉइंटर। पॉइंटर डिक्लेयर्ड हेयर विल पॉइंट टू सम रैंडम मेमोरी। यहाँ पर कोई एड्रेस लोकेशन नहीं दिया गया है, तो एक रैंडम मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट कर देगा। ठीक है, यहाँ इनिशियलाइज नहीं किया गया है। इस तरह के हम पॉइंटर्स को वाइल्ड पॉइंटर्स भी कहते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंटर है, सेकेंड है स्टेप इज पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है वेयर वी असाइन सम इनिशियल वैल्यू टू द पॉइंटर वेरिएबल। यहाँ पर हम उस पॉइंटर को कुछ इनिशियल वैल्यू असाइन कर देते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ये एंड का सिंबल, इसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, जब हम इस सिंबल को लगा देते हैं तो उस मेमोरी एड्रेस पर जो भी वेरिएबल होगा उसको हम रीड कर पाएंगे। ठीक है, एंड देन स्टोर इन इट द पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पर हमने डिफाइन किया, देखिए इंटीजर वी आर इज इक्वल टू 10। राइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इंट, और ये हमने इनटू का पॉइंटर का मार्क लगाया पी टी आर। नाउ पी टी आर इज इक्वल टू दिस एंड वेरिएबल, इसका ये मतलब होगा कि वेरिएबल जो है इसका जो भी मेमोरी लोकेशन होगा, ठीक है, मेमोरी लोकेशन वो कहाँ स्टोर होगा जाके, पी टी आर में। ठीक है, और जब पी टी आर ये जब हम इसको जब हम आउटपुट पे करेंगे तो इस पी टी आर का जो भी एड्रेस होगा वहाँ से वो वेरिएबल को उठाएगा और उस वेरिएबल की वैल्यू होगी 10, उसको वो हमें शो कर देगा। ठीक है, फिर आता है पॉइंटर डी रिफरेंसिंग, तीसरा है पॉइंटर डी रिफरेंसिंग। डी रिफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी एड्रेस स्पेसिफाइड इन द पॉइंटर। ठीक है, यहाँ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो वैल्यू स्टोर है उसको एक्सेस करते हैं मेमोरी एड्रेस से। ठीक है, एक एग्जांपल तौर पे देखते हैं, यहाँ पर ये हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, इंट वी आर इक्वल टू 10 हमने कर दिया, इंट पॉइंटर को हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब हमने जैसे पीछे हमने दिखाया था, ठीक है, पी टी आर इक्वल टू एंड वी ए आर। अब जब हम इन तीनों स्टेटमेंट को अगर हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ, अगर हमने पी टी आर को किया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक कोई रैंडम मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। ठीक है, ये कोई रैंडम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो जो हमें मेमोरी लोकेशन दिखाएगा। ठीक है, और अगर हम वी ए आर को प्रिंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, उस वी ए आर की वैल्यू जो हमने डिफाइन की है वो हमें यहाँ पर आउटपुट में मिलेगी। ठीक है,
लेकिन अगर हम इनटू पीटीआर करते हैं ये पॉइंटर लगा के, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू भी 10 मिलेगी, क्योंकि ये जो सिंबल है इनटू का, इसको लगाने से क्या होता है कि ये इसके एड्रेस पर जो भी इस पीटीआर की जो वैल्यू होगी वो हमें शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉइंटर डी रेफरेंसिंग करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइंटर इन सी, बहुत सारे टाइप्स हैं यहाँ पर, हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे केवल, ठीक है। सबसे पहला है इंटीजर पॉइंटर, ठीक है, जो जैसा कि नाम बता रहा है कि ये पॉइंटर इंटीजर वैल्यूज़ के लिए ही होते हैं, जैसे INT, ठीक है, या हमने INT यूज़ किया तो ये पॉइंटर हमारा इंटीजर पॉइंटर होगा, ठीक है। सेकेंड हो गया एरे पॉइंटर। एरे पॉइंटर में क्या होता है कि ये पॉइंटर्स एंड एरे आर क्लोजली रिलेटेड, इवन एरे नेम इज़ द पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट, दे आर ऑल्सो नोन एज पॉइंटर टू एरेज, वी कैन क्रिएट अ पॉइंटर टू एन एरे यूजिंग गिवन सेंटेंस। क्योंकि ये दोनों एरे और पॉइंटर सिमिलर होते हैं, ठीक है, सिमिलर कि जैसे ही होते हैं, तो यहाँ पर इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैरेक्टर दिस ये पॉइंटर वेरिएबल, और उसको हम जो भी एरे होता है उसके आगे एंड ऑपरेटर लगा के इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तीसरा है स्ट्रक्चर पॉइंटर, द पॉइंटर पॉइंटिंग द टू द स्ट्रक्चर टाइप इज कॉल्ड स्ट्रक्चर पॉइंटर, ठीक है, मतलब ऐसा पॉइंटर जो स्ट्रक्चर को पॉइंट करे वो हमारा स्ट्रक्चर पॉइंटर कहलाता है, जैसे ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया और फिर ये पॉइंटर हो गया, ठीक है। फिर आता है फंक्शन पॉइंटर, सिमिलरली जैसे स्ट्रक्चर पॉइंटर था, यहाँ पर फंक्शन पॉइंटर जो होता है वो फंक्शन को पॉइंट करता है, ठीक है। डबल पॉइंटर, वी कैन डिफाइन अ पॉइंटर दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द अनदर पॉइंटर, तो ऐसा पॉइंटर जो दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है उसको हम डबल पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। फिर आता है नल पॉइंटर, नल पॉइंटर्स आर दोज पॉइंटर्स दैट डू नॉट पॉइंट टू एनी मेमोरी लोकेशन, ठीक है, ऐसा पॉइंटर जो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करता है इसको हम नल पॉइंटर भी कहते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर्स के क्या क्या एडवांटेजेस है, पॉइंटर्स आर यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन एंड डी एलोकेशन, एन एरे और स्ट्रक्चर कैन बी एक्सेस्ड, आसानी से इनको एक्सेस किया जा सकता है यूजिंग पॉइंटर, ये हमारी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं हम इनको। पॉइंटर्स आर यूज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम पॉइंटर्स यूज करते हैं, जैसे लिंक लिस्ट, ग्राफ या ट्री, ठीक है। पॉइंटर्स रिड्यूस द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, पॉइंटर यूज करने से प्रोग्राम का लेंथ भी कम होता है जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाता है, ठीक है। फिर आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर, डिसएडवांटेज में क्या है, मेमोरी करप्शन पॉसिबल है इसमें, मेमोरी का करप्शन होना एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। पॉइंटर्स आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं समझने के लिए, मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी लीक्स इन सी, इसमें इनको यूज करने से क्या होता है, मेमोरी लीक्स हो सकता है, ठीक है। पॉइंटर्स आर कंपेरेटिवली स्लोअर देन वेरिएबल्स, अगर आप वेरिएबल्स यूज करते हैं उसकी जगह पे अगर पॉइंटर यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है। अनइनिशियलाइज पॉइंटर्स माइट कॉज अ सेगमेंटेशन फॉल्ट, एक सेगमेंटेशन फॉल्ट हो जाता है अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटर्स, आई होप आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और जो लोग अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के और भी वीडियोस आप तक पहुंच सकें, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।